Hello everyone, welcome back to my channel Cooking and Beauty with Shabs. It's me Shabnam. आज की रेसिपी में हम देखेंगे ये जर्दे की मज़ेदार सी डिलीशियस सी रेसिपी जो मोस्टली शादी और दावतों में देखने मिलती है. आइए स्टार्ट करते हैं. देखिए मैंने गैस पे पैन रख दिया है जिसमें मैं पानी ऐड कर रही हूँ. सबसे पहले मैं पानी को खौला लूँगी. पानी को खौला लेंगे एक खौल आने तक, यानी कि एक बॉयल आने तक हमें पानी को पकाना है. और पानी में एक खौल आने के बाद हमारे जो राइस है वो इसमें ऐड करेंगे. मैंने बासमती राइस लिया है. आप कोई भी राइस, सैला राइस या फिर नॉर्मल राइस भी आप इसे ले सकते हैं. मैं बासमती राइस में बना रही हूँ. काफ़ी अच्छे लंबे लंबे हो जाते हैं बनने के बाद ये. और इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो एज़ इट इज़ रहती है अगर हम बॉयल पानी में इसे डालेंगे. तो आप भी इसी तरह से बनाइए. अब मैं एक से दो मिनट इसे पका लूँगी ताकि ये एटलीस्ट 90% तक पक जाए. हमें 90% तक पकाना है. आइए हम चेक कर लेते हैं. देखिए ये 80% जितना बन गए हैं. अभी हम इसमें कलर ऐड करेंगे. कलर से काफ़ी अच्छा लगता है और काफ़ी डिलीशियस सा लुक आता है. देखते ही खाने का मन करने लगता है. और ये स्वीट राइस है तो हम इसे वाइट बनाएंगे तो इतना मज़ा आएगा नहीं, इसलिए हम कलर ऐड कर रहे हैं. कलर ऐड करने के बाद एक मिनट जितना मैं पकाऊंगी इसे. देखिए कलर कितनी अच्छी तरह से मिल गया है इसमें. और हमारे जो चावल है वो 90% जितने पक चुके हैं. अब मैं इसे निकाल लूँगी, छान लेती हूँ मैं इसे. देखिए मैंने हमारे जो राइस है वो सोक कर लिए हैं और कलर भी कितना अच्छा इन्हेंस हो गया है जो मैंने कलर ऐड किया था उससे. और अब मैंने एक वही पैन रख दिया है गैस के ऊपर. उसी पैन में मैं बना रही हूँ. मैंने बटर ऐड किया है, मैं बटर में बना रही हूँ. आप चाहें घी में भी बना सकते हैं, ऑयल में भी बना सकते हैं. बटर में काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है इसका, इसलिए मैं बटर यूज़ कर रही हूँ. मैं इसमें इलायची डाल रही हूँ. इलायची से काफ़ी अच्छा जो टेस्ट है वो इन्हेंस हो के आता है इलायची से. इलायची इसकी मेन स्पेशलिटी है तो इलायची ज़रूर से ऐड कीजिएगा. मैंने इलायची को कूट लिया था, यानी कि दरदरा से पीस लिया था, तो आप भी पीस सकते हैं. और जो मैंने सोक कर लिए थे राइस वो मैं अब इसमें ऐड कर रही हूँ. ऐड करने के बाद फिर मैं इसमें हमारी जो शुगर है वो ऐड करूँगी. चीनी तो ऐड करना ही है क्योंकि हम स्वीट राइस बना रहे हैं, दैट्स वाई. तो चीनी मैंने ऐड कर दी. इसे अच्छे से मिला लीजिए. और चीनी मिलाने के बाद एक मिनट के लिए बनने के लिए रख दीजिए ताकि जो चीनी है वो चावलों में अच्छी तरह से मिल जाए. जितनी कंसिस्टेंसी मेरी चावल की थी उतने ही मैंने चीनी ली है, यानी कि मीठा टेस्ट आए इसलिए. क्योंकि ज़रदा जो है वो काफ़ी मीठा होता है. देखिए मैंने एक मिनट इसे पका लिया है और जो चीनी है उसने काफ़ी पानी छोड़ा है अपना, इसलिए पानी थोड़ा दिख रहा है. वो भी हो जाएगा सही. अभी मैं इसमें नट्स ऐड करूँगी, काजू बादाम, और मैंने पिस्ता लिया है वो मैं इसमें ऐड कर लेती हूँ. काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है नट्स का, तो आप ज़रूर से ऐड कीजिए. आप इसमें चिरौंजी भी ऐड कर सकते हैं, किशमिश जो होती है वो भी ऐड कर सकते हैं. देखिए एक मिनट मैंने नट्स ऐड करने के बाद पका लिया है. देखिए हमारा जो ज़रदा है वो बन के रेडी हो चुका है और हमारे जो चावल हैं वो भी काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, एकदम लंबे लंबे. और जो चीनी डाली थी वो भी मिल चुकी है और नट्स भी मिल चुके हैं. आइए हम निकाल लेते हैं. देखिए कितना अच्छा लुक आया, लग रहा है ना एकदम डिलीशियस दावतों वाला ज़रदा. आप भी इसी तरह से बनाइए और बताइए मुझे कि आपको कैसा लगा. अब मैं काजू और बादाम की गार्निशिंग कर लूँगी. वीडियो पसंद आने पे मेक श्योर मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर से कीजिए गाइस. बाय गाइस, हैव अ